आदरणीय अमित भाई शाह हमारे बीच में है। मैं इस अवसर पर हमारे गृह मंत्री जी को आप अभिवादन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो फैसला देश की लोकसभा में किया गया, देश में किया गया, यहां से बिल्कुल साफ और सही कहा गया कि हमारे देश की जनता पिछले 70 साल से इस बात का इंतजार कर रही थी कि जम्मू कश्मीर से 370 और 35A कब हटे। ये 70 साल से हम इंतजार कर रहे थे और वह ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने लिया है। और मैं समझता हूं इस बात को कि आज यह निर्णय करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री ने भारत देश को एक अखंड भारत बना दिया, भारत देश को एक बना दिया, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं तो भाग्यशाली हूं कि यह निर्णय में मुझे सहयोग करने का मौका मिला, देश की लोकसभा में वोट करने का मौका मिला, इसलिए मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं और मैं ये आपके बीच में बताना चाहता हूं कि आप एक युग वो था हमारे देश में जब लोगों ने एहसास किया था कि देश में कोई लोह पुरुष है, ये उस समय उस युग में ये एहसास किया था। आज वही दूसरा युग है जहां पर हमारे देश के लोग ये एहसास कर रहे हैं इस युग में भी एक लोह पुरुष हमारे देश का है, सिर्फ देश में ही नहीं, सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया में, ये दुनिया के बीच में ये साबित हो गया। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे हमारे देश के गृह मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। अब हमारा प्रदेश, छोटा सा प्रदेश, हमारे प्रशासक महोदय ने बिल्कुल साफ और सही कहा कि छोटे से प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आना, गृह मंत्री जी का आना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल दिल से लगाओ इस प्रदेश के लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का रहा है और उनकी यह कृपा दृष्टि रही कि छोटे से प्रदेश में आज मेडिकल कॉलेज हमें मिली, नर्सिंग कॉलेज हमें मिली, यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई, यह हमने देखा। आज बड़ा बड़े बड़े प्रदेश संघर्ष करते हैं, जूझते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश, छोटे से प्रदेश को आज मेडिकल कॉलेज बनी है, मेडिकल कॉलेज दी है। हम सब इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आकर के हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको प्रवेश देने का काम कर रहे हैं, मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने तो देखा, मैं पार्लियामेंट में, आज मेरा 21वां साल है, 20 साल मैं पार्लियामेंट में रहा, ये मेरी 7वीं टर्म है, मैंने भी इतिहास देखा है। लेकिन एक आपके बीच में कह सकता हूं, इतनी असरदार सरकार और इतने मजबूत निर्णय लेने वाली यह सरकार पहली बार मैंने देखी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं फिर एक बार गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का दिल से इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश, दोनों प्रदेश के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नियुक्ति की गई जो हम देख रहे हैं, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि कुशल और प्रमाणिक प्रशासक इस प्रदेश को मिले हैं प्रफुल्ल भाई पटेल के स्वरूप में। और उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लागू करना, जैसे यहां से बताया गया मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड का काम, सिलवासा सिटी का काम, नर्सिंग कॉलेज का काम, सारे हमारे जो काम हैं वो हमारे काम प्रशासक महोदय के नेतृत्व में आज चल रहे हैं। मैं प्रशासन और प्रशासक दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की कृपा दृष्टि दोनों प्रदेश के ऊपर रहे, ये मैं गुजारे, ये मुझे संपूर्ण विश्वास है। आज इस मौके पर जब हमारे बीच में गृह मंत्री जी आए हैं,
आदरणीय अमित भाई साहब, तो ये गुजारिश करूंगा, उनसे विनती करूंगा कि ये छोटा सा प्रदेश है, आदिवासी ज्यादातर आदिवासी इलाका है, हमारे यहाँ कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ समस्या ऐसी है, और उसमें से कुछ मुद्दे मैंने देश की लोकसभा में मैंने रखे हैं। और जब मैं प्रधान आदरणीय अमित भाई साहब से मिलने गया था, तो उस समय भी कुछ बातें मैंने उनके सामने रखी हैं, और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जब मैं उनसे मिलने गया, बहुत ही सकारात्मक बात मैं प्रधान आदरणीय अमित भाई साहब ने मेरे से करी, मैं उनसे उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जैसे मैंने बताया, कुछ मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की रोजगार की है, और इसलिए मैं अमित भाई साहब से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, उनमें छोटे छोटे पदों के ऊपर, कोई डेली वेजिस पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे, गरीब परिवार के लोग काम करते हैं, और कई सालों से काम करते हैं, और उसी आमदनी से, उसी पगार से उनका घर चलता है, उनका परिवार चलता है। तो मैं गुजारिश करूंगा अमित भाई साहब से कि उनकी नौकरी जो है, उनकी नौकरी को रक्षा देने का काम भारत सरकार और हमारा प्रशासन करे, ये मैं ये विनती करना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे आने का निमंत्रण मिला, दो शब्द बोलने का मुझे मौका दिया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रशासन का, प्रशासक महोदय का, और खास करके मैं आदरणीय अमित भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत जबरदस्त आज देश में काम चल रहा है, विकास का कार्य हो या फिर आतंकवाद खत्म करने का कार्य हो, जबरदस्त हमारी सरकार, हमारा देश आज काम कर रहा है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज सरकार का एक पार्ट बन करके सरकार के समर्थन में मैं भी देश की लोकसभा में और देश में काम कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि मैं, और विश्वास भी रखता हूँ कि भविष्य में भी इतना मजबूत नेतृत्व हमारे देश को मिला है, जहाँ इतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, भविष्य में भी उनके साथ में रह करके काम करने का मुझे मौका मिलेगा। इसी शब्दों के साथ फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।